आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स, जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि 5 मिनट में आप चेहरे को कैसे चमका सकते हैं, और साथ में हम आपको ये भी बता देंगे कि आप अपने चेहरे को गोरा और सुंदर कैसे बना सकते हैं। तो ढेर सारे हम आपको टिप्स देने जा रहे हैं बिना क्रीम और मेकअप के। 5 मिनट में यदि आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो हम आपको बताने जा रहे हैं, पहली चीज, जो मलाई होता है ना, दूध की मलाई, मलाई से जो चेहरा है वो चमकता है और जो दाग हैं वो मिटते हैं। आपको करना बस इतनी सी बात है कि 1 चम्मच मलाई में नींबू का रस मिलाकर आप रोज चेहरे और ओठ पर लगाएं। तो ओठ का तो फायदा ये होता है कि आपके जो ओठ हैं फटेंगे नहीं और चेहरे पे ऑटोमेटिक चमक आएगी। अब थोड़ी सी मलाई और 1 चम्मच बेसन, बेसन का उपटन, ये जो है साबुन का बेहतरीन विकल्प है। इससे आपकी त्वचा मुलायम होगी। आप मुल्तानी मिट्टी को पीसकर मलाई में यदि आप मिलाकर लगाते हैं चेहरे पे, आप कोहनी पे भी लगा सकते हैं। कोहनी पे हमारा थोड़ा सा ब्लैक से मार्क्स होते हैं तो उससे आपके रंग में निखार आ जाता है। आप 3-4 बादाम और 10-12 देसी गुलाब की पत्तियां घिस लीजिए। अब 1 चम्मच उसे मलाई मिलाकर चेहरे पर यदि आप लगाते हैं तो जो झुर्रियां हैं आपकी, जो चेहरे के जो धब्बे हैं, वो ऑटोमेटिक आपके मिट जाएंगे। उसके बाद हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं वो काफी कमाल के उपाय हैं जो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोरा भी चेहरा होगा और सुंदर भी होगा। एलोवेरा जूस तो आप जानते हैं, एलोवेरा जूस, एप्पल साइड विनेगर और हल्दी, अब इन तीनों का मिश्रण कर लीजिए और उसको आप चेहरे पे लगाइए। इससे आपके चेहरे का जो सांवलापन है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। आप गोरा रंग पाने के लिए हल्दी और नींबू के रस का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये जो उपाय है वो ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। अब शहद, शहद, गुलाब की पंखुड़ी और दूध का लेप, इसको आप लगाइए। इससे आपके चेहरे का रंग साफ होगा और चेहरे पे एक निखार आएगी, एक चमक आएगी। उसके बाद मलाई जो होता है, मलाई में समुद्र फेन का बारीक पाउडर मिलाइए। यदि उसको आप लगाते हैं तो उससे पहला फायदा तो ये होता है कि मुहासे ठीक हो जाते हैं, चेहरे पे चमक भी आती है। फिर आप मौसमी या संतरे के छिलके को पीस लीजिए और पीस कर मलाई मिलाकर उपटन जब आप लगाएंगे तो उससे आपकी जो त्वचा है वो मुलायम होगी और साथ में साफ होगी। आप 1 चम्मच मलाई में 1 चम्मच सेब का रस मिला लीजिए। अब उसको अच्छी तरह से फेंट लीजिए। अब उसके हल्के हाथ से चेहरे पर यदि आप मलते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका जो रंग है वो साफ होने लगता है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं भी आप बाहर से आए हैं तो सबसे पहले आप चेहरे को अच्छी तरह से धो लें ताकि त्वचा के छिद्रों में जो मैल है वो भरी नहीं रहे। पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं, पपीता चेहरे का रंग निखारने में कारगर उपाय है। कच्चा पपीता डेड स्किन सेल्स होते हैं वो उसको निकाल देता है, तो ऑटोमेटिक वो जो छिद्र है उसमें अच्छी तरह से श्वसन होता है, तो जिसकी वजह से आपके चेहरे पे चमक आती है। मलाई को दवाई की तरह उपयोग में लाया जा सकता है। देखा जाए तो आप खांसी की समस्या हो तो आधी कटोरी मलाई में 1 चम्मच नारियल का बूरा, 5 बड़ी इलायची और पाउडर और 10 काली मिर्च गड़दरी पीस कर धीमी आंच पर चलाकर गर्म करेंगे, जब उसका सेवन करवाएंगे ना तो उसका एक अलग ही फायदा होता है, वो हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल हो जाता है। अभी गोरा होने का एक और उपाय बताते हैं, अनानास जो होता है, अनानास और पक्के टमाटर को चेहरे पर फेस पैक बनाकर लगाइए, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो चेहरे का जो गोरापन है वो आपके चेहरे पर आने लगेगा। यदि आप भाप लेते हैं, गर्म पानी कर लीजिए, जो भाप उगता है उसको टॉवल से चेहरे को कवर कर लीजिए, आप उसमें कुछ ही मिला सकते हैं।
जिससे आपके चेहरे पे और खुशबू भी आ जाए। कपूर वगैरह भी डाल सकते हैं उसमें। जो तेल होते हैं एक खास किस्म का तेल होता है, बादाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, नीलगिरी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो भाप लेने से त्वचा के छिद्रों में जो भरे तेल होते हैं, जो मिट्टी होती है, जो डेड स्किन सेल्स होते हैं, वो आसानी से निकल आते हैं और जो चेहरा है उस पर ऑटोमेटिक निखार आ जाता है। और ये स्किन केयर का सबसे बेहतर और आसान तरीका है। अगला उपाय बता देते हैं, दही, आंवला पाउडर, हल्दी और बेसन मिलाकर इसमें एलोवेरा जूस और थोड़ी नींबू का रस मिक्स कर लीजिए। और ये समझ लीजिए कि आपने फेशियल पैक तैयार कर लिया है, आप चेहरे पर लगाइए। तो इस उपाय से आपके जो काले धब्बे हैं वो दूर हो जाएंगे और आपका जो स्किन है वो मॉइस्चराइज हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है आपके चेहरे के लिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।